लैपटॉप में स्क्रीन फ्लिकिंग होने के तीन कारण होते हैं, डिस्प्ले ड्राइवर, अनकंफर्टेबल ऐप या फिर कह सकते हैं हार्डवेयर इशू। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन फ्लिकिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझसे एक भाई ने पूछा था एक वीडियो सेपरेट इस पे मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। ये जो वीडियो होगी तीन मेथड्स में होंगी। सबसे पहला जो मेथड है वो है आपको टास्क मैनेजर चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाना होगा। तो जैसे ही आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको यहां देखना है टास्क मैनेजर खोलने के बाद क्या आपकी डिस्प्ले अब भी फ्लिक कर रही है। अगर ये टास्क मैनेजर पे फ्लिक कर रही है तो इसका मतलब यह है आपको मेथड वन अप्लाई करना है। अगर नहीं कर रही है फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो अपन मेथड टू अप्लाई करेंगे। मेथड फर्स्ट, फिक्स योर डिस्प्ले ड्राइवर। इसमें आपको अपने डिस्प्ले का ड्राइवर फिक्स करना होगा। इसके लिए आपको अपने सर्च बॉक्स में सर्च कर देना होगा डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे ओपन दिखेगा, इस पे आपको ओपन कर लेना है। जैसे ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप नीचे देखिए डिस्प्ले अडेप्टर्स दिखा होगा, दिख रहा है ना डिस्प्ले अडेप्टर, इस पे आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा वाला होता है ये आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा है एनवीडिया का आपके लैपटॉप में, और ये मेरा अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स है जो कि ऑलरेडी पहले से आता है। तो इसमें क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और सिंपली से आपको अपडेट ड्राइवर कर लेना है। इसमें आपको हॉटस्पॉट कनेक्ट होना चाहिए आपके लैपटॉप से, ठीक है ना। आप अनइंस्टॉल मत करिए, फॉर एग्जांपल आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है डिस्प्ले अडेप्टर, तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना डिस्प्ले अडेप्टर, यहाँ से वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से सिंपली से इंटेल के इस पे क्लिक करना है और यहाँ से अपडेट ड्राइवर कर लेना है। ये आपको एक विंडो शो हो जाएगी, हाउ डू यू वॉन्ट टू सर्च फॉर डिवाइस, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल, मैंने पहले से करा हुआ है तो मैं यहाँ नहीं करूंगा, आपको करना है। और जैसे ही आप गूगल से कर लेंगे तो ये सब फिनिश हो जाएगा इसी विंडो पर। फिनिश करने के बाद फिर आपको सब कुछ काट देना है और बाहर आ जाना है, और सिंपली से आपको यहाँ पे विंडो पर क्लिक करके आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है, जिससे ये हमारा मेथड फर्स्ट पूरी तरीके से इस पे अप्लाई हो जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेथड टू, अपडेट और अनइंस्टॉल इनकंपैटिबल ऐप। देखिए आप कई सारे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं जो कि इस विंडोज के लिए नहीं बने होते हैं या फिर वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो सिंपली से आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी ऐप्स अपने अपडेट कर सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी से आपने कोई ऐप अपडेट डाउनलोड किया है उसे अपडेट कर सकते हैं। सर्च टूल बॉक्स में स्टोर लिख देंगे, स्टोर जैसे ही ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए 37 ऐप्स है मेरे ऊपर, यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए इतने सारे ऐप हैं, पता नहीं है अपन को कौन सा कंफर्टेबली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सारे ऐप्स को अपडेट कर लीजिए और अपडेट ऑल पर क्लिक करके सारे अपडेट हो जाएंगे। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल आपने थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट से या फिर किसी ऑथराइज वेबसाइट से ऐप डाउनलोड किया है तो उसे कैसे अपडेट करेंगे, तो आपको गूगल पर जाना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ब्लेंडर अपडेट लिख देना है। जैसे ही आप ब्लेंडर अपडेट लिख देंगे तो देखिए ये ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड ब्लेंडर 3.2.2 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो पुराना वाला ब्लेंडर होगा आप वहाँ से उसे हटा दीजिए और ये आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो ऐसे आप ऐप्स को अपडेट कर सकते हैं। और चौथी जो प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर प्रॉब्लम। अगर अब आपका लैपटॉप प्रॉब्लम दे रहा है तो इसका मतलब ये है आपने या तो उस लैपटॉप को कहीं गिरा दिया है या फिर कोई इशू हो गया है आपके लैपटॉप के साथ, इसलिए वो डिस्प्ले फ्लिक कर रही है। तो ये था पूरा सॉल्यूशन। अगर अब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो कमेंट करिए, एक और वीडियो ट्राई करता हूँ बनाने की। दूसरी चीज, अगर आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो ये वाली वीडियो देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं।